हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। जी हाँ, गॉसियन सरफेस के बारे में बात करेंगे, गॉसियन थ्योरम करेंगे एंड गॉसियन लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि घर बैठे बच्चों की हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गॉसियन थ्योरम को करने से पहले हम जानते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। उसके बाद आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था, मैंने एक विंडो का एग्जांपल दिया था कि आपके आसपास विंडो होगी, जैसे विंडो में से एक लाइट आ रही है तो वैसे ही एक सरफेस होता है। जब सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तब वहां पर फ्लक्स क्रिएट होता है विच इज नोन एज फाई। उसको हम क्या बोलते हैं, फाई। सो इन दिस केस व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज। यस ना, कोई ना कोई चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन फ्लक्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को कराने से पहले थोड़ा सा मेरे को आपको इंट्रो देनी थी ताकि आपको पता लग सके अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो फ्लक्स क्या है। सो मैंने अभी क्या बात करी कि फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज। सो इट मींस सीधा रिलेशन क्या हुआ कि फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज, यही हुआ ना, फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज। जी हाँ, गॉसियन थ्योरम के अंदर हम इसी बात को प्रूव करेंगे कि कैसे फ्लक्स डिपेंडेंट है किसी चार्ज के ऊपर। ठीक है, बट गॉसियन थ्योरम की कुछ अपनी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, इट इज ओनली एप्लीकेबल अनक्लोज बॉडी। बॉडी कैसी होनी चाहिए, अनक्लोज। फर्स्ट थिंग, अनक्लोज कैसे, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, बॉल एक क्लोज है, तो बॉल के अंदर हम किसी चार्ज को रखेंगे देन वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फ्लक्स बाय रिलेशन गॉसियन थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो आपने कंडीशन पढ़ ली सबसे पहले कि कोई अनक्लोज बॉडी के बारे में ही डिस्कस होगी गॉसियन थ्योरम में, बिना अनक्लोज बॉडी कि अगर हम बात करते हैं तो गॉसियन थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। और हमें प्रूव क्या करना है, फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज। फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज, यस ऑफ कोर्स फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज। चलिए देखते हैं कैसे। अभी बच्चों मैं आपको यहां पर लिख लेता हूं रिलेशन, नाउ फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज। ये चीज मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट इन गॉसियन थ्योरम। सो मैं क्या कर लेता हूं, एक स्फेयर बना लेता हूं जो कि मैंने बोन का एग्जांपल दिया, और यहां बीच में एक मैंने चार्ज को प्लेस कर दिया, किसी बोल के एक बिल्कुल सेंटर में चार्ज को प्लेस कर दिया। सो सेंटर से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस आर। ठीक है, तो बच्चों अब इस ब्लैक बोर्ड की एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर क्या होता है, जिस डायरेक्शन से आप इसे देख रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो ऐसे अगर कोई बोल है, इस बोल का एरिया वेक्टर क्या है, उसके परपेंडिकुलर। तो यहां पर इस स्फेयर का एरिया वेक्टर कैसा होगा, बाहर की तरफ, यस या नो। और चार्ज अंदर रखा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ ना। ठीक है, सो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या अगर हम स्मॉल सरफेस की बात करते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है बच्चे, आप सभी ने इस फॉर्मूले को जरूर समझना है, अगर नहीं समझे तो मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके समझ लो, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर डॉट है, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा।
तो गॉसिस थ्योरम के अंदर हमने क्या सपोज किया था, एक स्फेयर कंसीडर करा हमने, जैसे कि मैंने एक बॉल का एग्जांपल लिया, देन वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज। ठीक है, हमें बात करनी कि फ्लक्स कैसे डिपेंडेंट है किसी चार्ज पे। सो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको बोथ साइड को, डी फाई और डी एस, सो यहां पर क्या होगा फाई। अब ई की वैल्यू को हम बाद में पुट करेंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं डी एस का। अब बेटा ये सरफेस इंटीग्रल है, अगर आपने प्लस वन में सरफेस इंटीग्रल को नहीं पढ़ा तो प्लस टू में जरूर पढ़ लीजिए सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। अब देखो हम यहां पर सरफेस की बात कर रहे हैं, किसी स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो मैंने छोटा सा एरिया को कंसीडर करके पूरे स्फीयर के ऊपर बताना है कि क्या फ्लक्स होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं, यहां पर सरफेस इंटीग्रल ले लेता हूं डीएस का, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 4πr². अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा मल्टीप्लाई 4πr². अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करता हूं क्यू बाई में 4πε₀r² मल्टीप्लाई 4π में r². सो 4π से 4π कैंसल आउट, r² से r² कैंसल आउट। तो थ्रू डेरिवेशन हमारे पास फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। सो बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी हमने एक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से गॉसिस थ्योरम की एक कंडीशन और वेरिफिकेशन निकाली थी कि भी फ्लक्स डिपेंडेंट होना चाहिए चार्ज के। सो बाय डेरिवेशन हमने इसको प्रूव कर लिया, फ्लक्स इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन चार्ज। मतलब क्या हुआ, अगर चार्ज है तो भैया फ्लक्स है, तो फ्लक्स है तो चार्ज है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सो आज हमने बात करी गॉसिस थ्योरम के बारे में, गॉसिस सरफेस पढ़ा कि अनक्लोज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा जाना, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू को जाना कि कैसी होती है सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम। सो बने रहे मेरी इस वीडियो के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।